मैं अरुण कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से। SKMCH के मेडिसिन विभाग में कितने यूनिट रन कर रहे हैं जिनके द्वारा मरीजों की सेवा दी जा रही है? अभी मेडिसिन विभाग में मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत प्रसाद बोल रहा हूँ, और मेडिसिन विभाग में 4 यूनिट अभी चल रहे हैं। MCI के गाइडलाइन के अनुसार 4 यूनिट 120 हॉस्पिटल के लिए जरूरी है, तो उसी पर 4 यूनिट अभी चल रहे हैं। यूनिट 1 विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत प्रसाद के द्वारा देखा जा रहा है, तो यूनिट 2 जो है डॉक्टर आरोही के द्वारा देखा जा रहा है। यूनिट 3 में आज से आउटडोर शुरू किए हैं, अमित कुमार दास को उनका प्रभारी बना दिया गया है यूनिट 3 का। यूनिट 4 पहले ही से विजय कुमार सिंह देख रहे हैं। इस तरह 4 यूनिट हम लोग का मेडिसिन विभाग में चल रहा है। इसी दिन 4 यूनिट में भर्ती भी होगा मरीज इस यूनिट में, इमरजेंसी में भी इन्हीं लोग की जिम्मेवारी होगी। दिन का यूनिट है और POC कौन कौन सा दिन होगा सर इनका? विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत प्रसाद का सोमवार और बुध को रहेगा, आरोही का बृहस्पति और शनिवार को है, और मंगल में विजय कुमार सिंह, शुक्रवार को है डॉक्टर अमित कुमार दास का। तो इन लोग का यूनिट रहेगा आउटडोर में, और 24 घंटे का इमरजेंसी भी इन्हीं के नाम से रहेगा, प्लस फिजिशियन ऑन कॉल भी यही रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी मरीज को बुलाना होगा, मरीज के लिए डॉक्टर को बुलाना है, तो यही फिजिशियन ऑन कॉल भी रहेंगे। अब इससे तो काफी फायदा मिलेगी सर मरीज को, तो फायदा होगा। एक और चिकित्सक यूनिट इंचार्ज उनके जिम्मेवारी दी गई है अमित कुमार दास को आज से। इसे पठन पाठन भी छात्रों को कुछ पठन पाठन तो होते ही रहेगा उससे, तो ये मरीज के कल्याण के लिए जरूरी है और इलाज के लिए, आउटडोर दिखाने चलाने के लिए और इमरजेंसी का। एक यूनिट में सर कितने चिकित्सक होते हैं सर? एक यूनिट में चिकित्सक डिपेंड करता है कितना है पोस्टिंग है, उसी के अनुसार एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक सीनियर रेजिडेंट PG रहते हैं, जूनियर रेजिडेंट रहते हैं, इंटर्न रहते हैं, और निर्भर करता है कितना डॉक्टर के यहाँ पोस्टिंग हो रही है, तो उस पर भी निर्भर करता है कितना चिकित्सक एक यूनिट में रहे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।